उसको मारने वाली फौज को बुलाओ उसको और उसको जकड़ के मारो उसको, तेज से मार लगाओ, बुलाओ बाहर से फौज को, तेज से मारो उसको। वो पन्नी पन्नी लो, पन्नी है क्या, वाटर बैग है क्या? हाँ उसको फोल्ड करके रखो, जब मैं बोलूंगा तो उसके सामने लगाते रहना, अभी लगाओ, मारो उसको पेड़ में, दवा निकालो, खींच के बाहर खींचो बाहर तेजी से, जलाओ अंदर आग लगाओ उसके तेज के साथ में, लगा कितनी ताकत है तेरी, तो पूरी लगा कम बहुत छोड़ देने, देखो पूरा मार मार के खत्म करेंगे। पूरी ताकत लगाओ, झगड़ लो उसको और तेज से, मारो उसको और मारो, लाओ जंजीर और बन के डालो उसको तेज से। क्या करूं तेरे साथ बोल, अब क्या करना, मार देना क्या छोड़ना तुझे कमीने, क्या कर रहा था तू बच्ची को, क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, उस चोटी का वो निकालो उसके, क्या कर रहा था, तोड़ के फेंक कर दिया उसके गले में, कहाँ के ताबीज आते हो, वहीं पे थे अंदर डाले, क्या के डाले थे, झगड़ो उसको तेज से, कितने साल से परेशान कर रहा है तू उनको, कपड़ा डालो जरा ओढ़नी उसके मुंह पे, शादी की बात, साल के बाद, नाम वाम कुछ बोला, कुछ नहीं अभी तक के तो, पूछो नाम वाम सब, हाँ कुछ नहीं किया, जिसके भी नामा निकले तुम जानो उन्हों जानो, मेरा कुछ नहीं है, तो तुम बने फॉर्म भर के दिया लाइमी को, क्योंकि कुत्ते जिसे मारते रहो उसको, लगा पूरी ताकत, पूरी लगा जोर से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जलाओ अब उसके अंदर से आग लगाओ, मजाक समझ रहा था कमीने, लोगों को सताना, हाँ उसकी भी जिंदा क्या बर्बाद करता वैसे, हाँ तम बखर हालत, أو زد علي رتل القرآن ترتلا إن سنفخ الخمس قيل إنا ناشئة الليل هي شدة وعقبا قيل إنا لك في النهار صباحا طويلا وذكر الحب إليه تبتلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو اتخذه وكيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو اتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون بهجر والنعم وظهرني والمكذبين أولي النعمة والمقليلا. واصبر على ما يقولون بهجرمة جميلة وظرني والمكذبين وللنعمة والمغليلة إنا لدينا أنفالا وجبتهم الزاق وصدما عذابا عليما يوم طوران الجبال كانت بقطبا معيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون الرسول فعاد فرعون الرسول فقال نقدم بلفتيه فتكون كفرتم يوم يجل كان وده مفروض
الأولى إن هذه تذكرة ومن شطخ الخب السبيل إنا ربك يلم وأنك تقوض نسبل ونسبل ومقرعكة من الذين معك الله أكبر जकड़ लो उसको अंदर से और तेज एक साथ में जकड़ो आग लगाओ उसको जकड़ो उसको तेज से पीठ कने कमर कने पीठ कर खड़े उंगलियों से लगाओ उसे ऊपर से नाम नहीं था तो जलाओ आग लगा उसको खूब मारो उसको झगड़ो उसको और तेज से क्या करूं तेरे दो टुकड़े करूं करा दूं क्या दो टुकड़े सवाल के जवाब दे मेरे पहले कब्रिस्तान से आया था शमशान से जोर से हाँ पूरी ताकत लगा के और जोर से लगा पूरी ताकत कहां से लाए थे शमशान से कब्रिस्तान से कहां से ठीक है आग लगाओ उसके अंदर तेजी से आग लगाओ चलो उसके माथा काट के लेना मैं खत्म कर दूंगा उसके दोनों हाथ काट दूंगे दोनों हाथ ले लो काट गए तो जबान से टाइम नहीं मेरे पास जल्दी क्या तकलीफ दे रहा था तू बच्ची को कौन है तू मर्यादी औरत आदमी है कौन है दो मिनट तो कौन है औरत कहाँ मरे वाली है मरी नहीं हूँ मैं झूठ बोलती अल्लाह जलाओ जलाओ तेज जलाते रहो उसके हाथों में आग लगाओ काटो उसके हाथों को तेज से कहाँ से कहाँ है तू कौन है इनकी जिंदगी है मर गई जिंदगी कहाँ रहती मैं ग्रीन पार्क में रहती कहाँ रहती ग्रीन पार्क कहाँ पर भुसावल में हाँ भुसावल अच्छा जादू टोना करी बच्ची पे क्या नाम है बच्ची का तुम्हारा आसमा आसमा के क्या लिख गई थी जादू करते टाइम पे आसमा का क्या ली थी जादू चलाते वक्त बोल जल्दी मैं पूरा मार के खत्म कर दूंगा हाँ क्या ली थी उसका कुछ भी नहीं तेरी से क्या दुश्मनी थी झूठ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं सब मालूम था मुझे बहुत बुरा मारने लगूंगा पूरा भस्म करा दूंगा जल्दी बोल तेरे बच्चों को मारने लगाऊं क्या मैं दिन फेंकने लगूं उनको गाड़ी समेत उठा के मेरे बच्चों को तकली छोड़ी मैंने उनको भी कर दी जादू टोने वो भी मैंने मेरे बच्चे को भी मार डाली मैंने अरे मार डाली मैंने मेरे बच्चे को तोपा मेरी जायदाद में मेरी जायदाद मांगता था वो मेरा हिस्सा मैंने मेरे आदमी को नहीं छोड़ी तो वो मेरा बेटा क्या लग रहा मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ी मैंने क्या करी थी बेटे को मार दी हाँ कितनी उम्र थी उसकी 20 साल का था अरे कैसा मारी उसको मैं उसको बूट मारने लगी हिंदू जादू करता मुसलमान था हिंदू के पास अच्छा हिंदू पास कितने पैसे दी थी जादूगर को 1,00,000 रुपए कितने 1,00,000 और खुद की बेटी कुछ मारने लगा दी बेटे को आगे की स्पीड कम तो बात 1,00,000 रुपए और मरद को क्या करी मरद की पूरी प्रॉपर्टी होना था ना मेरे को हाँ पूरी प्रॉपर्टी हाँ मेरी हाँ तो मरद को भी मार दी मार डाली कैसा मारी उसको उसके दोस्त के साथ मिल गए उसके दोस्त के साथ मिल गए उसका पुतला लगाई थी मैंने 6 महीने में मार डाली उसको
बीमारी बदल के एक्सीडेंट करके। बीमारी बदली थी ना। कई की बीमारी? बीमारी दारू। अच्छा कितने साल गए? अच्छा उसको कितने मारने के पैसे दी थी जादूगर को? हम दोनों मिले लेते हैं। हाँ उसको नहीं पैसा थी। तेरा दोस्त था क्या? वो यार था क्या तेरा? ऐसा मार दे रही बेगुनाह लोगों को कम बखत नहीं। ये बच्ची को कहीं में मिला खिलाई थी? बच्ची को हाँ क्या नाम है जी बच्ची का? आसमा को कहीं में मिला खिलाई थी? बच्ची को चाय में। कहीं में? चाय चाय काली थी दूध की थी? दूध की चाय में। चाय में अम्मास में पूनम में कब पिलाई थी? अम्मास ना पूनम ऐसे ही पिलाई थी मैंने सादे टाइम में। अच्छा और कई कई में खिलाई? और मैंने नहीं खिलाई। हाँ अब बाकी का तो उसकी सास के बाहर सास ने सास के बाहर खिलाए ले। अच्छा उधर से कौन जादू कर रहा था बच्ची पे? उसकी सास उसकी उसका देवर है। क्या नाम है उसका? अकरम। वो उस प्रॉपर्टी वो भी प्रॉपर्टी उसका करना चाहता। कैसी मार पड़ती है देखा ना ये अल्लाह वालों की जगह ऐसी मार पड़ती है पे जकड़ लो औरतें इसे बहुत मनमानियां चल रहे दुनिया में अब्बा का राज चल रहा है दुनिया तुम्हारे बाप दादाओं के ना लायक हो जकड़ो उसको तेजी से और हाँ और कौन मिले आला है बच्ची के ससुराल से जादू कर रहे हो बच्ची पे तो क्या लेके गए थे आसमा का जादू चलाते वक्त? हाँ लगा पूरी ताकत और जोर से मारो उसको मारो अंदर से जकड़ के आग लगाते रहो तेजी से। मेरा हाथ छोड़ दो मेरे हाथ में गिल्ले मत डालो छोड़ो जकड़ो उसको औरतें से छोड़ो। कैसा छोड़ेंगे तेरे को कहीं कुछ छोड़ेंगे तेरे को ऐसा मनमाने आज चेक करेंगे तुम लोग दुनिया में बात खराब चल रहा तुम्हारे किसके भी घर आ जाए खुद के बेटे को मार फिर तुम कैसे लोग आए दुनिया में क्यों अब आई क्या मजा? हाँ कुछ मनमाना चल रहे थे तोड़ू क्या तेरे हाथ दोनों कैसा गिनेंगे फिर नौटा लोगों को मार मार के खुद के बच्चों को मार के नौटा जमा कर रही गिन सकेंगे क्या नौटा काटने लगूंगा दोनों हाथा बोल जवान से नहीं। ये बच्ची के ससुराल में से और कौन जादू कर रहा है इस पे? इसका देवर। क्या नाम है उसका? अकरम। साईं बोल रही झूठ बोल रही? साईं बोल रही हूँ। साईं बोल रही हूँ। ये बच्ची का और कौन मिला रहा है उसके साथ में? वही है बस और वो कौन अकेला है। हाँ उसकी औरत मिली आई क्या? नहीं। फिर उन्हें क्यों कर रहा है बच्ची पे जादू? वो उसने उसका दुपट्टा लेके गया था बुर्के का। कौन से कलर का? ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का लेके गया था। कब लेकर कितना टाइम हो रहा? 9 साल हो रहे। नौ। और करने की वजह? वो नहीं रखना चाहता। बोलता हमारे घर में यही पढ़ी लिखी है बहुत और अगर मैं सबको गाली देता इसको देता था ये मेरे को उल्टा के जवाब देती अब अगर मैं इसको हटा दूंगा रखूंगा तो ये मेरे को जीने नहीं देगी। इसलिए तू जादू टोने कर दे रहा इसलिए उसने बीमार डाले ला इसको। कौन सी बीमारी डाला? ये फायदा कर लो। कौन सी बीमारी डाला? चक्कर पूरा कर लो वो सकना। कौन सी बीमारी डाला? थोड़ा भी अच्छे रहेंगे
तो एक दिन में एक घंटा अच्छी रहती बस, और बाकी 24 घंटे बीमार रहती। और मैं उसके भाई से दूर करना चाहता उसको। क्यों वजह? मैं वो छोड़ चाहता कि मेरा भाई इसको छोड़ दे और हमारे पास आ जाए। मैं उसके भाई के पास नहीं रहने दूंगा उसको। ये वो बच्ची की रिपोर्ट है, छुट्टी उसके दिमाग में चक्कर वक्कर कुछ आती थी और क्या होता था, घबराहट होती, घबराहट करता हूँ मैं इसको। ये देखो ये कर रहा था अंदर बैठ के, नाला है, घबराहट कर रहा था, चक्कर आ रही सब। रिपोर्ट मैंने भी पढ़ा, ये सारे निकाले वाले सब नील है, ये भी नील है, चक्कर लाता था, गिरा देता था, क्या क्या बेचैनी, घबराहट, और क्या करता था रे, सुनो शैतान की जुबान ही सुनो, क्या क्या कारनामे कर रहा था अंदर बैठ के। नमाज को तो हटा बिल्कुल वजूद में नहीं लाने देता, बिल्कुल तैयार नमाज नहीं पढ़ने देता था उसको। क्या करते थे कम वक्त तो? नमाज से तो दूर कर पहले स्टार्टिंग में जब मैंने बीमार डाला था इसको, हाँ, तो मैंने इसको तुम्हारे पोती तुम्हारा कुरान वो पढ़ने बैठती थी। हाँ। मैं बोलता था लात मार तू, मार लात मार वो पोती कुला कुरान कुला तेरे हाथ काट दूंगा। कम बहुत ऐसा करता था, ऐसा उसके दिमाग में वसवसे से डालता था, कुरान के बारे में बुरे ख्याल डालता था। मैंने उसके से अब पकड़े ना, अब कैसे मारना उसको, मैंने इसके दिमाग में 4 साल वसवसे डाला। चार साल क्या कुरान कुलात मार बिल्ला नमाज मत पढ़। और मैं फिर भी तेरे भी चालू रहती थी इसकी पढ़े पढ़े करती थी कुरान कुल। मैं बोलता दूर हो कुरान से, फिर भी इसके पास जाती थी। मैंने उसको बैठने नहीं देता था, मैं इसको बैठने की ताकत नहीं रखा था मैंने। फिर भी नमाज पढ़ती थी, फिर भी नमाज पढ़ती थी, अल्लाह के आगे झुकती थी। और इसकी फूफी जान जब मैंने उसको मारने पे लाके स्टेज पे आखिरी स्टेज पे लाके छोड़ दिया, उसके बाप छोड़ दिया ले जाके, इसके बाप ने और उसकी पुप्पी के पास आम इंसान है, उसकी पुप्पी के पास जिन्नात है, और वो जिन्नात मेरे को बहुत दूर करते थे, और इसको नमाज के पास लाते थे, पढ़ नमाज। इसका दुपट्टा लिख गया उन्हें, तो कहाँ से जादू चला, शमशान से कब्रिस्तान से? मैं तो शमशान में बैठता हूँ। अच्छा शमशान में बैठता हूँ मैं। अच्छा हाँ। कितने लोगों को मारा अभी तक? मैं मेरा नाम है क्या है, याद नहीं आ रहा क्या? कमबख्त मैं बहुत बुढ़ा हूँ, मैं बहुत बुढ़ा हूँ। कितना बुढ़ा है? मैं 90 साल का हूँ। नालायक निकट तू, ऐसा लोगों पे जादू करता, कमीने, इतनी उम्र होके भी शर्म नहीं आ रही तेरे को? मैं शमशान में रह के कमीने, मैं मुर्दे खाता हूँ, मैं मुर्दे खाता हूँ मसान में बैठ के। मैं और इसके देवर से मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। क्यों, तेरा बेटा था क्या वो? नहीं, वो आके मेरा मूत पीता है, तो बात। मेरा पेशाब पीता है वो, तो बात। मेरा पेशाब पीता है वो। चुपी झूठे बात है, कहीं को पींगा उन्हें? पीता। क्यों पीता? मेरा जब भी तो मैंने इसका काम करा, वो मुसलमान है ना, मुसलमान का भी ऐसा काम करता है। एक बार भी नहीं करता, तेरे बातों पे यकीन नहीं आ रहा कि इसको सुनने वालों को। करता है वो मुसलमान है, फिर भी मेरा साल में 1 बार आके मेरा पेशाब पी के जाता है वो। कौन से दिन आके पी के जाता है वो? जब हमारा राठों का मेला आता है वहाँ पर। मैं आसेर के जंगल में रहता हूँ, और मैं वहाँ पे मई करता हूँ मैं, और वो जंगल में 1 बार आके वो साल में 1 बार आके मेरा पेशाब पी के जाता है। क्यों पिला रहा लोगों को पेशाबों में से बुला के? नालायक निकट्टू, उसके पास
देने के लिए तो कुछ था ही नहीं। और मैं फिर क्या किस चीज पे करूँ उसका। मैंने उसका मेरा मूड पिलाया उसको, उसको काफिर के काफिर के रूप में लाया और उसको पिलाते जाता हूँ। मेरा काम होते जाता है। तू उसको आइडिया से धोखे से पिलाता हूँ, उसको थोड़ी मालूम होगा। हाँ, वो दारू पीता है ना, इसीलिए मैं उसमें पिला देता हूँ। कहीं में पिलाता? दारू में। कहीं में? दारू। अच्छा, उसको बगैर मालूम करे के पिला देता तू? पहली बार मैंने शर्त रखा था कि मेरा पेशाब पीना पड़ेगा। फिर उसने वो नहीं बोल रहा था। फिर उसने उसका दोस्त है राठा, उसके गांव में रहता है, उसने बोला तेरे पास पैसे नहीं है, इतना तो काम पैसे बिना पैसे कुछ होता नहीं, एक काम कर ले पी ले, एक बार पी ले तेरा काम हो जाएगा, तेरे रास्ते से हटा दूंगा। फिर भाभी को मैंने तो बुलाया था इसको कि तेरी भाभी को लेके आ, एक बार ला। मैं उसकी भाभी के साथ में भी क्या करता था, मैंने तो हाथ में देख लिया था क्या कितनी खूबसूरत लड़की है। मैं बुलाने की कोशिश करते रहा पर आई। मैंने उसके भाई को क्या किया, उसके भाई के हाथ 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 के मैं चौक अप कर दिया था और बहाने से के भाई को मारो मत ना, मारो उसको, मारो मत, मारो मत, मैं बोल रहा हूँ उसके भाई को भी वहां से इसके पास नहीं रख दिया था। 2 साल के लिए लेके आ गया था मैंने वहां बुरहानपुर में 2 साल रखा था और इसको बुलाने का बोला था कि लेके आएगा। मैंने इसके भाई को भी बुलाया था और उसका भाई को लेके आया था उसने वहां, और मैंने उसको बोला था तेरी बीबी को भी लेके आ, मैं तेरी बीबी का भी इलाज करूंगा। नहीं लाया वो नहीं लाया, बोलता मेरी बीवी नहीं आएगी वहां, मेरा ससुर, इसका जो ससुर है मेरा ससुर 5 वक्त का नमाजी है और रात में भी पूरी रात इबादत करता, तो उसकी बेटी को आने नहीं देगा वो, किसी हाल में नहीं आने देगा। और मैं जो जादू करता हूँ यहाँ से वो इसके बाप के वजह से मेरा जादू दूर भागता है और मैं दिन भर बीमार रहता हूँ, मैं बीमार रहता हूँ। इन्हें नालायक तेरी क्या औकात है, अल्लाह कलाम के सामने देख लिया ना तो कमबख्त चीरने लगाऊंगा तुझे। बड़े तंत्रा मंत्रा चला रहा कमीने, लोगों पे चलाने के वास्ते सीख रहा ऐसा बेगुनाह लोगों पे, शैतान के साथी नालायक, क्या औकात है तेरी, देखा ना इतना जंगलों में रहके बियाबानों में रहके क्या क्या खाके भी तू कुछ नहीं सीख सका, और कोई तेरी औकात नहीं हमारे सामने, क्या औकात है तेरी देख लिया अल्लाह के कलाम के सामने। मारो उसको और मारो उसको, खूब मारो अंदर जकड़ के, हुकुम के तेरे हाथों में पैरों में पूरी तेजी से खिले और जादू आटो ने कर रहा लोगों पे, अरे बुरे हरकतें कर रहा बुला के, कितने लोगों की जिंदगी खराब कर रहा, वैसे कितने जनों को मारा अभी तक। मैंने 105 लोगों को मारे लाए। कितने? 105 पांच 105 कौन थे वो, हिंदू मुसलमान? ज्यादा हमारे धर्म के आते हैं हमारे पास और हमारे धर्म के लोगों का ही काम करता हूँ मैं। कमबख्त नालायक, कितनी बुरी बात है बेगुनाह लोगों को मारा होते, हाँ क्या हिंदू क्या मुसलमान सब इंसान, और इंसानियत के खिलाफ काम कर रहा तू, इंसानों के जाना ले रहा।
नुकसान भी बहुत कर रहा है, कारोबार पूरा सब। अरे कारोबारों में भी ज्यादा कर रहा लोगों के, पूरा बच्चों का कारोबार, मेरा कारोबार। मैंने इसके पैसे तक गायब कर दिया, इसकी तिजोरी में से पैसे गायब कर दिया। कितने? हर रोज इसको बुला के हर रोज में पैसा गायब करता था। कितना करता? मैं आज तक किसके 5 लाख रुपए गायब करा। अरे पाँच लाख आज की तारीख में इसके पास 1 रुपया भी नहीं। चिंदी चोर नालायक शैतान के बच्चे, वासी के लोगों को ऐसा परेशान करता। मैंने इसको पूरी मुसीबत में डाल दिया, हालात खराब कर दिया। अब ये तेरे पास दवा ला के ये बच्ची को कहीं में मिला के पिलाया था उन्होंने, और क्या बेच के दिया था तूने इसको, क्या पिलाया, इसके अंदर क्या डाला था? लोग मुता पिला रहा, कमीने नाला, यूरिन बेच के दिया था उसको पिलाने को। बच्ची को क्या पिलाया तूने? मैंने पिलाया नहीं इसको, मैंने उसका दुपट्टा लेके उसको उसको गंदी औरत के मुर्दे के अंदर उसका दुपट्टा जला दिया और उसको बीमार डाल दिया। अब हमेशा बीमार रहती है और उसके अभी से अच्छी बात नहीं करने देता मैं। वो जब भी आए ना मैं उससे झगड़े करता, मैं उससे दूर करता उसको, ठीक है? मैं रखूंगा ना मेरे पास, मैं लेके जाऊंगा उसको, मेरे पास रखूंगा, मैं लेके जाऊंगा। क्या करने वाला था उसको ले जाके? मैं उसको मेरे पास रखूंगा, उसको मेरे पास रखूंगा। किस मकसद से रखने वाला था उसको पास में, क्या करने वाला था रख के? मैं उसको मेरी दुल्हन बना के रखूंगा। मैं उसको मेरे को बहुत पसंद आई थी वो, मेरे को बहुत। देख लिया तेरी क्या औकात है तू, यहाँ बड़े लोगों की जिंदगियां ले रहा कमीने, 105 हिंदू लोगों को मारा तूने कमबख्त, काहे का हिंदू तू कमीने, बेगुनाह लोगों के जाना लेता। कहे में मिला के खिलाया था तूने बच्ची को, क्या बेच के दिया था? फलीस चीज दिया था बेच के? कुछ मुंह से तेजी से दवा नहीं निकल रही, इसका मतलब तूने बहुत गलीज दवा बेच के दिया था कमीने, जुलाब में निकालेंगे वो सब हम। कितने साल हो गए बच्ची को परेशान करके, ये कब से कर रहा था तू? 9 साल। और दुश्मनी क्या थी और जिसने इससे, क्या दुश्मनी बता के जादू का सामान लेकर था उन्होंने? वो बोलता है ये मेरे बाप की प्रॉपर्टी में मेरा के मेरा कोई वही का के लिए। और क्या प्रॉपर्टी है इसी? वो ताजमहल है क्या उसके बाप का? ताजमहल क्या थे लोग जाना ले रहे कमीनो? खेती है उसके बाप के। तो बोलता है मैं रहूंगा अकेला। सबको डरा के रखा है इसके घर में और ये गुजारे तो इसको बीमारी में डाल देगा और
उसकी सास क्या एक दिन रुकती है तो 2 महीने भी मार डालता है। ये बच्ची के मरा तू क्या तकलीफ दे रहा था जादू से? उसके हाथ पैर की नसा चौकअप कर दिया था मैंने और उसको भी दारू के नशे में डाल दिया हूँ मैंने। वो भी दारू पीता है वो भी इसको बुरा बोलता है। वो माँ बाप के पास आया था तो इससे पहले इन्हें नामा बोला कि कभी 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 हाजिर हुआ? बहुत कोशिश किया हाजिर। ये दूसरे होते हजरत वो 5-7 चुड़ैल है कुछ शैतान है लेकिन ये मेरे को ये डाउट ये होता था कि अभी कभी 3-4 आ गए ना उसके अंदर हर बार जो मसला बिगड़ रहा है हॉस्पिटलों में वो तो दिखाई दे रहा जो सामने था। सवाल जो कभी नहीं पहली बार में ये पहली बार हो रहा है ये हॉस्पिटल के मसले से फर्स्ट टाइम में खुलासा हुआ कौन तरह क्या करे। मैं तो मेरे रुबानी के बोला मगर अंदर की शहर सारे बात बता दिया तो ये दास्तान करके करा की बहुत गलत बात है। वो कुछ बता रहा है कि 105 लोगों को तांत्रिक ने मारा करा वो अंदर की शय वो तांत्रिक खुद आया सामने खुद आके उसकी सिद्धि सभा की बात करी सामने बयान उसको पकड़ लिए जकड़ लिए उसके हाथों तक काट के किले टोक के खत्म कर देते उसको भस्म। फिर भी उन्होंने क्या बोलते तो कितने सारे लोगों को सहमत दिया कितने सारे लोगों को मारा उसमें बयान। तुम्हारा जो दुश्मनी का जो माहौल चल रहा आजकल तो ना हिंदू मुसलमान का दुश्मन है ना मुसलमान हिंदू का दुश्मन है तुम्हारे अपने तुम्हारे दुश्मन है। तुम कोई भी जात के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तुम्हारे अपने जो तुम्हारे आस्तीन के सांप आए वो तुम्हारे दुश्मन है। और कैसे कैसे हरकतें कर रहे देखो कैसे कैसे दास्तान है मैं क्या बयान करूँ मेरे को बयान करने को अल्फाज नहीं दे रहे। मगर एक बात याद रखना कितना बड़ा भी जादूगर रहा शैतान भी जमीन पे आके जादू करा तो कलाम इलाही अल्लाह के कलाम के सामने उसकी ताकत चलती नहीं बेबस से बेबस। काला जादू से एक बार भी नहीं कटता काला जादू का वो बोलते हैं लोग लोहा लोहे से कटता तुम्हारे दिमाग में गलत बातें बिठाए वाले लोहा लोहे से कटता होऊंगा मगर काले जादू से नहीं कटता क्योंकि तुम्हारे को मिसाल में बताता तुम्हारे पैर पे अगर तेजाब गिरा तो क्या तुम उस पर डबल से तेजाब डाल के वो करते क्या डबल से डालेंगे और सड़ेगा समझ में आया ना मिसाल एक सम एग्जाम्पल। तो जादू वैसा ही तुम अगर जादू चलने के बाद हटाने को जादू करके पास देंगे तो फिर बढ़ता उसको ताकत मिलती उसकी बैटरी चार्ज होती जादू नष्ट के सामने तो जादू की कोई औकात नहीं। इसलिए अल्लाह के कलाम की रस्सी को मजबूती से थामो हदीस कुरान और दरगाह अल्लाह के वलिया ये सब लोग ऐसे कि इनके पास अल्लाह की रहमत बरसती और वो रहमत इनके वास्ते जहमत रहती शैतानों के वास्ते शैतानों को नष्ट करके हलाक कर देते सब चीजें। तो फैज अल्लाह के पास में फैज देने वाला अल्लाह है और जख्म देने वाला शैतान है। शैतान जख्म करने के बाद उसको मलहम नहीं लगा सकता ना मरहम लगाने की ताकत उसके नहीं है। मरहम लगाने वाली जात अल्लाह की अल्लाह फैज देता और अल्लाह को जमीन पे आके नहीं देता अपने चुनिंदा बंदों के हाथ से फैज जारी कराता। ये सब बातें बहुत सारे एक पढ़ लिख कर अमल करो तो आमिल कहलाओगे अगर तुम पढ़ लिख की भी बातों को नहीं मानोगे तो फिर जाहिल कहलाओगे। जाहिल इस्लाम में पढ़े लिखे को जाहिल बोले जो पढ़ के लिख के दुनिया का सब आखिरत का कुरान का हदीस का इल्म जान कर भी फिर बोल रहा मैं ये बातों को नहीं मानता हूँ मैं वो बातों को नहीं मानता हूँ फिर उसको इस्लाम ने जाहिल बोल दिया जाहिल करार दिया। अनपढ़ को तो जाहिल नहीं बोले पढ़े लिखे इसलिए अमल करके आमिल बनो जाहिल मत बनो। और ये सब बातें तुम्हारे जो बता रहा हूँ इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो दुआ मोमिन का हथियार है तो बेशक मोमिन का हथियार है। ऐसे शयों से ऐसे शैतानों से ऐसे शैतान के पुजारियों से अल्लाह तुमको महफूज रखेगा अपने हिफ्ज अमान में अल्लाह और उसके रसूल की। तुम अगर क्या बोलते अतात करोगे तो फिर तुम्हारे सातों जमीन और सातों आसमान में कोई भी मान ऐसी औलाद नहीं जेनी जो फिर तुम्हारे सहमत दे देंगी। सब बातें बता वाली तुम अगर सूरज निकलने के बाद सूरह यासीन पढ़ोगे तो सूरज डूबे तक अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा और सूरज डूबने के बाद सूरह यासीन पढ़ोगे तो सूरज निकले तक अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। उस 12-12 घंटे के दौरान में अगर तुम पे किसी ने भी जादू किया कुछ भी किया तो उसका उसमें पलटा के डाल देते क्योंकि सातों जमीन और सातों आसमान में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो अल्लाह से टक्कर ले सके क्योंकि अल्लाह से टक्कर लेने वाला तो फिर सबसे बड़ा बेवकूफ है वो नमरूद का तो हिस्सा शद्दाद का सब तुम लोगों को सब पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा था कि बोले लड़ने के लिए चल तैयार हो जा तेरे खुदा से कह दे कि अब नमरूद का कहर तेरे खुदा पे नाजिल होगा तो उन्होंने बोले हाँ ठीक है मैं जाकर अल्लाह को बोलता हूँ
पहले बोलता है कि बुला के दरबार में पूछता कि ए नमरू ए इब्राहिम, पूरी दुनिया मुझे खुदा पूजती, नौज बिल्ला तू क्यों उन्हें खुदा मानता? उन्होंने बोले मैं तुझे मानूंगा खुदा, मशरिक से जब मगरिब में सूरज डूबता तो तू वापस निकाल के बता, तेरे पास वो इख्तियार नहीं है निकालने के, मेरे खुदा के पास है वो इख्तियार। बोल तो चिड़ गया और चिड़ के क्या बोला, जा तेरे खुदा से कह दे कि जंग करने के वास्ते मेरे साथ तैयार हो जाओ और मेरा कहर नाउज बिल्ला तेरा खुदा पे नाजिल होगा, खुदा को बोलना उसकी फौजों को तैयार कर दे जंग करने, नाउज बिल्ला मिन ज़ालिक। तो फिर अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए जाके बोले अल्लाह को, नमरूद ने ऐसा ऐसा बोला, तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है करम दो उसको, जंग कब करता देखेंगे। उन्हें वो मर्तबा था नमरूद को, अल्लाह ने वो रुतबा दिया था कि शहर में जब लोग दाखिल होते थे तो उसको सजदा करना पड़ता था और फिर जाना पड़ता था आगे, लोग सजदा करके जाते थे लोग उसको आगे। बाद में उन्हें अल्लाह से जंग करने निकला, अल्लाह वालों से टक्कर लेने निकला, बाद में ऐसा आलम करा अल्लाह ने, ऐसा जलील करा कि उसके ना अल्लाह ने 18,000 मखलूक में से खाली मामूली मामूली मच्छर को हुक्म दिया, जिसको हम मसल देते लोग यूं करते, तो वो भी मच्छर में लंगड़ा मच्छर था, उसको हुक्म दिया जाओ उसके नाक में से उसके दिमाग में बढ़ जाओ, वो मच्छर गया दिमाग में बढ़ गया, उसके दिमाग में खून पीने लगा, घूम 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 करके मच्छर गुनगुनाता ना तो गुनगुनाने लगा कि उसको ऐसा हो रहा सर पे मारो मारो, हाथों से मार मार के हाथा दुख रहे, फिर क्या करा जूतों से मारने लगा तो अच्छा लग रहा, जूतों से मारे बोला पूरे दरबार के लोग सब जूते मारना, सब जूते मार मार के सबके हाथ दुख रहे, अब क्या करना, अब तख्त ले जाओ चौरस्ते पे रखो, तख्त कुछ और रस्ते पे रख दिए, अब बोला जो भी शहर के अंदर दाखिल होगा पहले सजदा करते थे अब सजदा मत करो, 10 जूते मारो आगे बढ़ो, सिर पे 10 जूते मारो आगे बढ़ो, कैसा जलील करा अल्लाह, कैसा जलील करके मारा, अल्लाह से जंग करने निकला था। तो इसलिए अल्लाह जब तुम्हारी हिफाजत की ठान लेता तो फिर तो कोई भी तुम्हारा क्या बोलते दुनिया के साथ जमीन आसमान में कोई सहमत नहीं दे सकता, इसलिए इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, मजबूती से थामो। जो जादूगर के पास गया हदीस में बोल दिया लो हमें से नहीं, हमें से नहीं, हमें से नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उसकी शफाअत भी नहीं करूंगा हशर के दिन, वो हमें से नहीं है। इसलिए ये सब बातों का ख्याल रखो, मैं कुछ तुम्हारा दुश्मन बन के ना बैठा लूं, अल्लाह ने तुम्हारे को सारी दास्तान प्रैक्टिकल बताया मैंने दुनिया को, ऐसे कुछ कहानियां किस्से किसके भी नाम आए सब ऐसे उजागर नहीं करा, ये सब ये बातों को जरा जहन में रख के अमल करो तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत बनेगी। मरना तो सबको हर जानदार शय को मौत का मजा चखना है, आज नहीं तो कल तुम्हें मरना है, मरने के बाद क्या खबर में क्या भरेंगे, क्या होने वाला है खबर में, फिर आलम बर्दाश्त कर सकेंगे क्या वो आजाब, बहुत सारे बातें बोलने के लिए मगर क्या बोलूं मैं, चलो कहे सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे, बन के रखो इसको, मारो नाला को छोड़ो मत, झगड़ो उसको तेज से सिद्धि पूरी भस्म करो उसकी, खत्म करो उसके पास क्या क्या तंत्र मंत्र को, एक भी दिखना नहीं कुछ। हाँ। खत्म कर दो उसके सारे सिद्धि सारे तंत्र मंत्र, कुछ बचना नहीं, बोल अब तेरे को क्या करना तेरे साथ, अरे बीच में ठीक है चलो इसके हाथा ले लो काट के, उसके हाथा यारों को पंजे दोनों जोड़ के करेंगे जादू, अल्लाह तौबा तुम्हारे अल्लाह का रास्ता वास्ता दे दे, अल्लाह का नाम लेता तुम्हारे अल्लाह का वास्ता, तुम कुछ छोड़ दो मुझे, मैं अब नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, करेंगे जादू, तौबा तौबा तौबा। कौन से देव को मानता, नाम बोल जल्दी, मैं काली को मानता हूँ, उठा मुंडी ऊपर, खा काली माँ की कसम, बोल काली माँ की कसम, दोबारा जादू नहीं करूंगा किसी पे, दोबारा जादू नहीं करूंगा किसी पे, खा शपथ ले तू ले तेरी जबान से मैं नहीं लूंगा, मैं काली माँ की कसम खाता हूँ, हाँ मैं कभी किसी पे काला जादू नहीं करूंगा, हाँ और बोल, और किसी का बुरा भी नहीं करूंगा, खा कसम काली माँ की कसम, खा कसम काली माँ की, जोर से काली माँ की कसम, करेगा दोबारा नहीं, अब नहीं करूंगा, करा तो फिर पूरा भस्म करा दूंगा मैं, छोड़ दो मुझे, कमीने नालायक, लोगों की जिंदगियां ले रखता था इसे, दोबारा करना नहीं, सारी सिद्धि भस्म करो, दोबारा दिखना नहीं मुझे उसकी आंख में, अगर दिखा पूरा मार के भस्म करूंगा, अब नहीं आऊंगा, चल भाग, पैर इधर खींचो, पानी लो गिलास में, इधर ये गिलास दो, गिलास 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 गिलास, अरे आसमा भी, क्या नाम है, अरे आसमा भी, अरे उनका और नहीं दो किधर गई उनकी, अरे क्या दो दिन से सो गए थे, बारिश आ गई थी, कहाँ से आया था पानी अंदर, हेलो पानी पियो,
पानी पियो आराम से। पानी पियो, पानी पियो, पानी पिलाओ, उल्टी आती वजन नहीं आती, वहां पिलाओ। निकालो खींच के बाहर, निकालो तेजी से। इधर मार कैमरा। ये जो है तो ये सुबह शाम दो टाइम मुंह पे मारते रहना चेहरे पे। और ये जो है पानी की बॉटल, चार दिन में एक बार, 100 बार अतल कुर्सी, 100 बार चारों खुल पड़ के पानी पे दम करना और वो पानी पिलाते रहना। कुछ पढ़ते रहो बना, और हर नमाज के बाद में 7 बार अतल कुर्सी, 7 बार चारों खुल पड़ के पानी पे दम करते रहना, पीते रहना। ऑटोमेटिक उल्टे आऊंगे घर पे जाने के बाद, ऑटोमेटिक जुलाब लगेंगे, सारी दवा सब निकल गई, पूरा माला करके सब जला के रख करें। चलो